फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन क्रेविंग्स। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी 65। पनीर 65 की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी हम बनाएंगे, एज अ स्नैक इसे खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं झटपट गोभी 65। गोभी 65 के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम्स गोभी लिया है। इस तरह से बड़े बड़े चंक्स में इसको काट लिया है। गोभी को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब इसे एक बार ब्लांच कर लेते हैं। पानी एकदम बॉईल हो चुका है, हमारी कटी हुई गोभी इसमें डाल देते हैं। बॉईल पानी में हमने गोभी डाल दी है। अब फ्लेम बंद करके हम इसे ढककर रख देते हैं। 3 चम्मच मैदा हमने बड़े बोल में लिया है। अब 1 चम्मच हम चावल का आटा डाल देते हैं और 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। अब इसमें हम जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट डालते हैं। रेड चिली डालेंगे 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर काली मिर्ची, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार डालिए। कटा हुआ थोड़ा सा गार्लिक, 1/2 नींबू का रस और 2 चम्मच दही। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक बैटर रेडी कर लीजिए। इस तरह से हम एक बैटर रेडी कर लेंगे। अब हमारी गोभी भी ब्लांच हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें चुटकी भर लाल मिर्ची डालूंगी, चुटकी भर हल्दी, भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर 5 मिनट छोड़ दीजिए। गोभी हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब एक एक पीस लेके हम हमारे बैटर में अच्छे से इसको कोट करेंगे और इन्हें डीप फ्राई करेंगे। अच्छे से कोट करके डीप फ्राई करिए। हम मीडियम फ्लेम में चलाते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अलग अलग करके डालिए, नहीं तो ये स्टिक हो जाते हैं। अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देखिए कलर चेंज हो गया है गोल्डन ब्राउन। अब इन्हें निकाल लेते हैं। सभी को फ्राई कर लीजिए। इस तरह से सारे गोभी के पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इसके ग्रेवी रेडी करते हैं। पैन में 1/2 चम्मच ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। जीरा डालेंगे, कुछ कड़ी पत्ते, गार्लिक, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। अब चुटकी भर हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची, ऑलरेडी हम बहुत स्पाइसेस ऐड कर चुके हैं इसलिए मिर्ची थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, धनिया का पाउडर डाला है, भुना हुआ जीरा। अब हम 2 चम्मच दही मिलाएंगे और चुटकी भर नमक। हिलाइए इसको अच्छी तरह। रेड चिली सॉस डालिए थोड़ा सा। अब 1 चम्मच पानी डाल देते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब गोभी जो फ्राइड थी इसमें मिला दीजिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए सारा मसाला, गोभी पे कोट हो जाए। ज़्यादा कुक नहीं करना है, फ्लेम ऑफ कर दीजिए। थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर डाल दीजिए। मैंने इसमें फूड कलर कुछ ऐड नहीं किया है। आप अगर थोड़ा रेस्टोरेंट जैसा चाहते हैं तो रेड कलर 1 ड्रॉप जो फूड कलर रहता है वो ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ऐड नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा गोभी 65। बहुत ही आसान रेसिपी थी, बहुत जल्दी तैयार हो गई है। सफर में इस खाइए, एज अ स्नैक खाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा।
आई होप यू लाइक दिस रेसिपी. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुक विद द बेस्ट.